हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। दोस्तों, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करती हैं या उसके एक्शंस को अपोज करती हैं। इन ड्रग्स में फर्स्ट कैटेगरी है नेचुरल एल्कलॉइड्स, और ड्रग एजेंट है एट्रोपीन एंड हायोसिन। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, और ड्रग एजेंट है एट्रोपीन, मीथोनाइट्रेट, होमेट्रोपीन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है सिंथेटिक कंपाउंड, और इनमें पहली सब कैटेगरी है माइड्रेटिक्स, जिसमें ड्रग एजेंट है साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकेमाइड। नेक्स्ट सब कैटेगरी है बेसिको सेलेक्टिव ड्रग्स, जिसमें ड्रग एजेंट है ऑक्सी ब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्जेट, टोल, टेरोडीन, डेरिफेनासिन एंड सोलिफेनासिन। नेक्स्ट है दोस्तों एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, और ड्रग एजेंट है ट्राइहेक्जीफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन। नेक्स्ट क्लास है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाजमोडिक, जिसमें फर्स्ट सब क्लास है क्वाटरनरी कंपाउंड्स, और ड्रग एजेंट है प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लाइडिनियम, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट, दीज आर द क्वाटरनरी कंपाउंड्स। नेक्स्ट सब क्लास है टर्शरी एमीन्स, जिसमें ड्रग एजेंट है डाइसाइक्लोमेन और पाइरेंजिपिन। तो ये दोस्तों, ये सारे क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, और सबसे पहले हम इफेक्ट देखते हैं सीएनएस पे। सीएनएस पर जो एट्रोपीन है वो क्या इफेक्ट देते हैं, ठीक है, क्या इफेक्ट देता है एट्रोपीन, वो हम देखते हैं। तो ये एट्रोपीन सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन शो करता है। एट्रोपीन सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन शो करता है। एट्रोपीन स्टिमुलेट मेनी मेडुलरी सेंटर्स, फॉर एग्जांपल बेगल, रेस्पिरेटरी, वैसोमोटर। तो इन सेंटर्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है एंड डिप्रेस वेस्टिबुलर एक्साइटेशन एंड हैज एंटी मोशन सिकनेस प्रॉपर्टी। एट्रोपीन सप्रेस ट्रिमर एंड रिजिडिटी ऑफ पार्किंसोनिज। हाई डोजेज ऑफ एट्रोपीन कॉजेज कॉर्टिकल एक्साइटेशन, रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन, हेलुसिनेशंस, डेलिरियम, फॉलोड बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कोमा। एंड हाई डोजेज में कॉजेज डेथ आल्सो। एट्रोपीन ब्लॉक्स ऑल सब टाइप ऑफ मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स, जितने भी सब टाइप है मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स के उनको ब्लॉक करता है। तो दीज आर द एक्शन ऑन सीएनएस ऑफ एट्रोपीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवीएस पर एट्रोपीन की इफेक्ट की। तो सीवीएस पर एट्रोपीन हार्ट रेट इंक्रीज करता है। हार्ट रेट, एट्रोपीन हार्ट रेट इंक्रीज करता है, और हार्ट रेट इंक्रीज को ही हम टैकीकार्डिया कहते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज को ही हम क्या कहते हैं, टैकीकार्डिया। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर पर। ब्लड प्रेशर पर एट्रोपीन क्या इफेक्ट शो करता है,
तो सिंस कॉलिनर्जिक इंपल्स इज नॉट इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ वैस्कुलर टोन, देन एट्रोपिन डज नॉट हैव एनी मार्क इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि टैकीकार्डिया और वैसोमोटर स्टिमुलेशन से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, लेकिन हिस्टामिन रिलीज और डायरेक्ट वैसोडायलेटर एक्शन से ये ब्लड प्रेशर कम होता है, तो जो मार्क्ड इफेक्ट है वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, एट्रोपिन डज नॉट हैव एनी मार्क्ड इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं एट्रोपिन का आई पर इफेक्ट। तो एट्रोपिन आई में डायलेशन ऑफ पिपल, डायलेशन ऑफ, और इसको हम क्या कहते हैं, माइट्रियासिस। तो ये एट्रोपिन माइट्रियासिस कॉज करता है आई में, और ये और जो ये माइट्रियासिस है ये ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन सर्कुलर मसल्स ऑफ आयरिस एंड सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। तो ये सर्कुलर मसल्स और सिलियरी मसल्स पर इसके एक्शन की वजह से माइट्रियासिस होता है, एंड एट्रोपिन एंटागोनाइज मियोटिक इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। एट्रोपिन इंक्रीजेज इंट्रा ऑकुलर टेंशन स्पेशली इन नैरो एंगल ग्लूकोमा पेशेंट। तो ये क्या करता है, आई में एट्रोपिन डायलेशन ऑफ प्यूपिल करता है, और डायलेशन ऑफ प्यूपिल को हम माइट्रियासिस कहते हैं। ये सर्कुलर मसल्स पर इसके एक्शन और सिलियर मसल्स पर इसके एक्शन की वजह से माइट्रियासिस कॉज होता है, और एट्रोपिन इसके मियोटिक इफेक्ट, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के मियोटिक इफेक्ट को एंटागोनाइज करता है और इंट्रा ऑकुलर टेंशन को इंक्रीज करता है, स्पेशली इन नैरो एंगल ग्लोकोमा पेशेंट में। दोस्तों अब बात करते हैं एट्रोपिन के स्मूथ मसल्स पर एक्शन का, और सबसे पहले बात करते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एट्रोपिन है वो रिलैक्सेशन कॉज करता है, रिलैक्सेशन कॉज करता है, और रिलैक्सेशन से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, इससे प्रोपल्सिव मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन अकर। तो रिलैक्सेशन, ये जीआईटी में रिलैक्सेशन कॉज करता है जिससे टोन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट कम हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन अकर करता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, रेस्पिरेटरी मसल्स पर। तो एट्रोपिन ब्रोंको डायलेशन करता है, ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है, जिसे ये रिड्यूस करता है एयर वे रेजिस्टेंस को,
एयरवे रेजिस्टेंस को कम करता है। देखिए दोस्तों, जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनमें जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, तो उसको ये डायलेट करता है। तो इससे क्या है, जो एयरवे रेजिस्टेंस है वो कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, स्पेशली इन सीओपीडी एंड अस्थमा पेशेंट, अस्थमा पेशेंट। और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के एक्शन को भी ये एंटागोनाइज करता है, उनके एक्शन को कम करता है, उनके एक्शन को एंटागोनाइज करता है, जिससे अस्थमा और सीओपीडी में को ये कम करता है, अस्थमा और सीओपीडी को कम करता है। तो ये रेस्पिरेटरी मसल्स पर एट्रोपीन के एक्शंस हैं। नेक्स्ट, एट्रोपीन का एक्शन यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर। तो दोस्तों, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में एट्रोपीन रिलैक्सेशन कॉज करता है, रिलैक्सेशन कॉज करता है, जिससे यूरिनरी रिटेंशन होता है, यूरिन का रिटेंशन होता है, यूरिन रिटेंशन होगा। ठीक है, और स्पेशली इन ओल्डर मैन विद प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो दोस्तों, ये एट्रोपीन यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में रिलैक्सेशन कॉज करता है, जिससे यूरिन रिटेंशन होगा, और ये स्पेशली ओल्डर मैन विद प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में ज्यादा होगा। तो ये स्मूथ मसल्स पर एट्रोपिन्स के एक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एट्रोपिन का ग्लैंड्स पे इफेक्ट। तो ये ग्लैंड्स में रिलैक्सेशन कॉज करता है, रिलैक्सेशन करता है, और रिलैक्सेशन करेगा तो क्या होगा दोस्तों, सीक्रेशन कम हो जाएंगे, सीक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसमें आपके लैक्रिमल सीक्रेशन, स्वेट सीक्रेशन, ट्रेकियो ब्रोंकियल सीक्रेशन, ये सब कैसे होंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन कम हो जाएगा, पेप्सिन और म्यूकस का सीक्रेशन भी दोस्तों कम हो जाएगा, पेप्सिन और म्यूकस का सीक्रेशन भी दोस्तों कम हो जाएगा। लेकिन बाइल एंड पैनक्रियाटिक सीक्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बाइल और पैनक्रियाटिक इफेक्ट के सीक्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सलाइवरी सीक्रेशन भी दोस्तों कम हो जाएगा, जिससे टॉकिंग एंड सोलोइंग में डिफिकल्ट हो जाएगा, टॉकिंग और सोलोइंग डिफिकल्ट हो जाएगी, सलाइवरी सीक्रेशन कम हो जाएगा। तो ये दोस्तों एट्रोपीन के ग्लैंड्स पे इफेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एट्रोपीन का बॉडी टेम्परेचर पर इफेक्ट। तो ये बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है, बॉडी टेम्परेचर एट्रोपीन बढ़ाता है। ये दो तरह से काम करता है, एक तो स्वेटिंग कम कर देता है,
जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा दोस्तों ये जो स्टिमुलेशन करता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, तो ये दो तरह से काम करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है पहला स्वेटिंग को कम करके, दूसरा स्टिमुलेशन करता है टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर का, तो एट्रोपिन टेम्परेचर को बढ़ाता है। दोस्तों नेक्स्ट एक्शन है एट्रोपिन का एज अ लोकल एनेस्थेटिक, तो दोस्तों ये एट्रोपिन लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में काम करता है। तो दोस्तों ये हमने एंटीकोलर्जिक ड्रग्स के बारे में बात की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।